नमस्कार दोस्तों, आज हम महुआ के पेड़ के बारे में और महुआ के फल के बारे में, यानी कि पूरे के पूरे पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि महुए के पेड़ के और फल के पत्तों के, छाल के, जड़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों महुआ का पेड़ बहुत ही औषधियों से भरपूर होता है और बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि महुआ का पेड़ और महुए का फल कितना लाभकारी होता है, और ये ज़्यादातर ये पेड़ MP, UP और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इसके फल को अप्रैल के महीने में बीना जाता है, और अप्रैल या फिर उस मार्च के महीने में इसे इकट्ठा किया जाता है इसके फल को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फल होते हैं महुए के पेड़ के, और बहुत ही रसीले होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। मीठा स्वाद होता है इनका, और इनको सुखा के भी रखा जा सकता है, और रखने के बाद इसे बहुत सारी औषधियों में काम लाया जाता है महुए को, और इसकी बना के इसको इसके सब्जी वगैरह बना के भी कई लोग खाते हैं, और इससे दारू भी बनाई जाती है। आपको पता ही होगा कि महुआ की दारू बहुत मशहूर होती है और शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है अगर उसे औषधि के रूप में लिया जाए तो। तो दोस्तों पहले इसके फ़ायदे बता देते हैं हम कि महुए के पेड़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों महुआ का जो छाल होती है, महुए के पेड़ की छाल होती है, अगर उसको पीस के उसका पाउडर बना के सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच लिया जाए तो पुरानी से पुरानी बवासीर ठीक हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माताजी इकट्ठे कर रहे हैं महुए, और इसे फिर वो सुखा के रख लेंगे, फिर बेच देंगे, या फिर इसके खाने के लिए भी इसको रख लेते हैं। और ये हमें बता रही हैं कि कितने दिन तक इसे बीना जाता है और कितनी मेहनत लगती है। आपको पता है धूप में इसे इकट्ठा करना पड़ता है। और दोस्तों जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, बहुत पुराना जोड़ों का दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनको क्या करना चाहिए कि इसका जो फल होता है, एक गुली जिसको बोलते हैं, बीज होता है इसका वो, ठीक है, उसके बीज को आपने क्या करना है कि सुखा लेना है और पीस के उसका तेल निकाल लेना है, ठीक है। उस तेल को आपने घुटनों पे लगाना है, रोज़ लगाइए, सुबह शाम लगाइए, यकीन मानिए आपका जोड़ों का दर्द धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को दाद, खाज, खुजली है, पुराना फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी जो छाल होती है उसे पीस लीजिए और इसके बीज का तेल निकाल लीजिए। इसके बीज का नहीं निकाल, जो आप अभी है नहीं है वो, तो मैं दिखा देता नहीं तो आपको, कि उसका जो बीज होता है ना, महुए के पेड़ का बीज होता है, गुली जिसे कहते हैं, उसके अंदर का बीज होता है, उसका तेल निकाल के और इसके छाल का पाउडर दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर आप दाद, खाज, खुजली पे लगाते हो तो पुराने से पुराना दाद, खाज, खुजली आपका ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर किसी के पेट में कीड़े हों बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या करना चाहिए, जो ये फल देख रहे हैं आप, इसका जूस निकाल के रोज़ खाली पेट सुबह पीजिए 10 से 12 दिन, जिससे क्या होगा कि जो पेट के कीड़े हैं वो मर के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ही महुआ भी खा सकते हैं, अगर इसका जूस निकाल के पीते हो आप, तकरीबन 50 ml इसका जूस पीते हो, तो आपका जो पुराने से पुराना कीड़े की प्रॉब्लम है, पेट के कीड़ों की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और डायबिटीज़ में महुए की छाल बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उन लोगों को इसकी छाल निकाल के, इसके पेड़ की छाल निकाल के, उस उबाल के, उस छाल को उबाल के उसका पानी आप इसे पीजिए, पेशेंट को दीजिए, तो उनकी जो शुगर है बहुत कंट्रोल होती है। हालांकि उस इसका जो फल होता है ये वाला, वो नहीं खाना चाहिए उनको, क्योंकि इसमें शक्कर की मात्रा होती है, तो उनको ये नहीं खाना चाहिए फल, ठीक है।
दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसके पत्तों को अगर पीस के इसका जूस निकाल के अगर आप पीते हो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा दो दो चम्मच करके, तो आपके शारीरिक जो कमज़ोरी है बिल्कुल दूर हो जाएगी और अंदरूनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी आपको, और जो शारीरिक कमज़ोरी होती है जल्दी थक जाते हो काम करते करते, और आपको अगर यौन दुर्बलता की प्रॉब्लम है तो वो भी उससे सही हो जाती है अगर आप पत्ते इसके पत्ते का रस पीते हो दो चम्मच सुबह और दो चम्मच शाम को। अगर शाम को नहीं पी पाते हो तो सुबह तो ज़रूर पीजिए, आपको 100% बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और बहुत ही आजमाए हुए ये फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा इसके जो जो मैंने अभी फ़ायदे बताए हैं। और बवासीर के लिए जो मैंने बताया था कि वो बहुत कारगर है, बहुत लोगों को मैंने बताया है तो उन लोगों ने करके देखा है। तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे इकट्ठे कर लिए हैं इसके माताजी ने फल, तो मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो अभी तो फल ये बंद हो गए हैं, महुआ गिरने बंद हो गए हैं, तो ये अभी पिछले महीने ही गिरने लगते हैं जो निकल गया है मार्च और अप्रैल का महीना, तो थोड़ा सा लेट हो गया और बंद हो गए हैं वैसे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।